मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के बाहर, बर्मिंघम, कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो इसके ऊपर मैं अभी अपना पाँव रखता हूँ और अपना वेट चेक करता हूँ। उसके बाद ये टर्न टेबल मैं दिखा देता हूँ आपको। इतने 150 साल से ये बना हुआ है, तो काफ़ी खस्ता हालत में फ्लैट बेड खड़ा हुआ है। इससे पुराने ज़माने में इस पर पता नहीं क्या लोड करते होंगे। इसको स्पिन करने के लिए लेवर लगा हुआ है। वाटर बॉक्स है ये, वाटर टैंकर कह लें आप इसको। 2005 तक इन स्टीम लोकोमोटिव ने राज किया है और आज यहाँ ये बेयारो मददगार लाचार खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 16 अक्टूबर सन 2021 है और मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के बाहर। आज आपको दिखाते हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन और इसका स्टीम शेड। यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव जो है वो मौजूद हैं अबैंडन्ड हालत में। मीरपुर खास जो रेलवे स्टेशन है उसकी दो जगह से एंट्रेंस है। ये दर्जा अव्वल की एंट्रेंस है, बहुत साफ़ सुथरी बनी हुई है, टाइल्स लगी हुई हैं, टाइम टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सामने जो है वो रिजर्वेशन सेंटर है और इंफॉर्मेशन बूथ है, मालूमात के लिए बना हुआ है। और ये टिकट घर है। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है। ये टाइम टेबल भी मैं आपको दिखा दूँ, हाथ से लिखा हुआ है। सामने जो ट्रेन इस वक्त खड़ी हुई है ये खोखरो पार से आई है मीरपुर खास जंक्शन मारवी पैसेंजर बन के, और अभी यहाँ से ये समन सरकार एक्सप्रेस बन के 156 डाउन ये जाएगी हैदराबाद के लिए। तो इसका डिपार्चर आपको दिखाएंगे। ये कॉरिडोर में जो है वो तमाम रेलवे ऑफिशियल्स के ऑफिस बने हुए हैं। ये एसएम साहब का ऑफिस है। और ये देखें, ये नोटिस बोर्ड पे मारवी पैसेंजर और समन सरकार एक्सप्रेस के जो खुशखबरी है वो लिखी हुई है, आवाम को मुतला किया गया है बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा इस रेलवे स्टेशन से 150 मेहरान एक्सप्रेस और 152 शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो है वो भी चलती हैं। तो कुल मिला के मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के ऊपर अप डाउन की 8 ट्रेनें मौजूद हैं। रेस्टोरेंट है, अभी फ़िलहाल इसको लॉक लगा हुआ है। HGMU 30 8213 खड़ा हुआ है समन सरकार एक्सप्रेस को लीड करने के लिए। इसका डिपार्चर होगा अभी यहाँ से हैदराबाद के लिए, वो आपको दिखाएंगे। 10 बजे सुबह ये निकलती है हैदराबाद के लिए। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन 1928 में बनाया गया था और मीटर गेज का ट्रैक यहाँ पे चालू किया गया था, जो आजकल अबैंडन्ड है और सिर्फ ब्रॉड गेज एक्शन जो है वो यहाँ पे होता है। ये वेटिंग हॉल जो है वो दर्जा दोम का आपको नज़र आ रहा है, शेड लगा हुआ है ऊपर सन शेड। सामने टिकट बूथ है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको चल के। ये दर्जा दोम का टिकट घर है। अब तो चूंकि इकोनॉमी क्लास है तो सब जो टिकट्स हैं वो यहीं से मिलते हैं।
यहाँ पे भी नोटिस बोर्ड पे ट्रेन्स के टाइम टेबल लिखे हुए हैं। कराची जाने के लिए मेहरान एक्सप्रेस 5:45 पे रवाना होगी, उसके बाद नीचे आप पढ़ सकते हैं सारा। जी मीरपुर खास से समन सरकार एक्सप्रेस डिपार्ट हो रही है हैदराबाद के लिए। पहला डिपार्चर है इसका, ये 1.5 साल के बाद इसका आगाज़ हुआ है। इस ट्रेन का कोविड की वजह से बंद थी। टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के, बहुत ही वसी और ईज़ और खुला डुला रेलवे स्टेशन है। अच्छी लोकेलिटी है, रेल फैनिंग के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स और बेंचेस वगैरह पड़े हुए हैं। सामने मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का पंपिंग स्टेशन है और ये आपको ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है नॉट इन यूज़। 36,936 लीटर का ये टैंक था जो अब इस्तेमाल में नहीं है। इसको ठंडा रखने के लिए इसके 3-4 अतराफ जो हैं वो दरख्त लगाए गए थे। ये सफ़ेदे का दरख्त है, ये तो बाद में उम्मीद है लगा होगा, पर वो पीछे वाले जो ट्रीज़ हैं कीकर का दरख्त नज़र आ रहा है और एक ये पुराने लग रहे हैं। एक और बहुत ही यूनिक चीज़ मीरपुर खास जंक्शन के ऊपर दिखाई दे रही है, वेइंग स्केल है WNT एवरी लिमिटेड का, बर्मिंघम कैलकटा एंड बॉम्बे। तो इसके ऊपर मैं अभी अपना पाँव रखता हूँ और अपना वेट चेक करता हूँ, देखते हैं कि मेरा कितना वेट है। ऑलमोस्ट 81 के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। सर आप बताएं कितना है? ऐसे हो गया, ऐसे 81 ऐसे 81 शो कर रहा है सर मेरा वेट। तो ये आपने एंटीक वेइंग स्केल जो है वो देखा है मीरपुर खास जंक्शन पे। अब आपको एक और वेइंग स्केल पड़ा हुआ है वो भी दिखाता हूँ। ये पार्सल ऑफिस है, यहाँ से लोग अपना सामान बुक करवाते हैं और ये बाहर जो ऑर्डरी वेइंग स्केल है वो भी पड़ा हुआ है। सामने आपको लेआउट नज़र आ रहा है, प्लान नज़र आ रहा है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के ऊपर वर्क करता है ये रेलवे स्टेशन। ये वाली जो बिल्डिंग है वो 1926 की बनी हुई है। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो पहला है इस पर आपको ब्रॉडगेज बिछी हुई नज़र आ रही है, जो हैदराबाद से शादीपल्ली तक 1892 में बिछाई गई थी। के बाद ये भी ब्रॉड गेज है और यहाँ आपको ये मीटर गेज का ट्रैक नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा भी मीटर गेज ट्रैक है। मीटर गेज जो था वो शादीपल्ली से आगे वाया लूनी जोधपुर तक 1900
एक में बिछाया गया था इस पे मीटर गेज की स्टीम ट्रेन चला करती थी। और सन 2006 में हैदराबाद से लेके मीरपुर खास तक तो ऑलरेडी ब्रॉड गेज था, मीरपुर खास से लेके खोखरो पार तक जो पाकिस्तान का आखिरी टाउन है इंडियन बॉर्डर के साथ, तमाम रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज कर दिया गया और उस पर मारवी पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। तो ये सब 2006 में हुआ। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है मैंने आपको बताई मीरपुर खास रेलवे स्टेशन की। अभी मैं आपको ले कर चलूँगा मीरपुर खास के जो स्टीम शेड है उसमें, और आपको दिखाएंगे कि मीटर गेज के जो स्टीम लोकोज़ हैं वो वहाँ किस हालत में खड़े हुए हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ से जो मीरपुर खास जंक्शन बनता है वो इस वजह से बनता है कि सामने वाली लाइन तो चली गई खोखरा पार और आगे जोधपुर की तरफ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है मीटर गेज जो जा रही है ये अलग हो रही है और ये यहाँ से जा रही है नवाबशाह जंक्शन की तरफ। तो इन दो लाइंस की वजह से जो मीरपुर खास है वो जंक्शन कहलाता था। अब मीटर गेज जो है अबैंडन पड़ी हुई है, ट्रैक मौजूद है अपनी जगह पे नवाबशाह तक, बेड भी मौजूद है पर जो उसका एक्शन है वो अबैंडन है बहुत अस्त से। ये लें जी, यहाँ से सामने जो आपको आसार हैं वो मीरपुर खास लोको शेड के नज़र आ रहे हैं। ये उल्टे हाथ पे ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है और ब्रॉड गेज की ये रेलवे लाइन है। उसके बाद ये सामने टर्न टेबल नज़र आ रहा है बहुत ही खस्ता हालत में है, जो मीटर गेज और मीटर गेज के ऊपर जो है ये लोकोमोटिव को पानी भरने का जो कीफ है वो टंगा हुआ नज़र आ रहा है। जब स्टीम लोकोमोटिव चलते थे तो यहाँ से उसके वाटर टैंक में पानी भरा जाता था इस कीफ के ज़रिए। उसके बाद ये टर्न टेबल मैं दिखा देता हूँ आपको मीटर गेज का, क्योंकि इतने 150 साल से ये बना हुआ है तो काफ़ी खस्ता हालत में। सामने मस्जिद बनी हुई है और मज़ीद अभी आपको आगे लेके चलते हैं शेड के अंदर। शेड के और करीब आ गए और देखें फैमिलीज एंटीक क्रेन, मूविंग क्रेन जो लगी हुई है उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी बनवा रहे हैं। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस है लोगों के लिए, रेल फैंस के लिए भी ऑब्वियसली, इसलिए हम आपको लेके आए हुए हैं। आज यहाँ पे मौका था, मैं मीरपुर खास आया हुआ था तो आपको हम स्टेशन भी दिखाया है और अब आपको लोको शेड दिखा रहे हैं। ये मूविंग क्रेन है, इसके ज़रिए हो सकता है लोको उसको उठा उठा के उधर करते होंगे। इसको स्पिन करने के लिए लेवर लगा हुआ है पर लॉक है, जैम है। इसकी जंजीर लें जी, ये पहला स्टीम लोकोमोटिव 522 नंबर मीटर गेज का खड़ा हुआ है, पाकिस्तान रेलवे PR का कोड लगा हुआ है। कैब को खारदार तार लगा के बंद किया गया है 522YD। दो बोगीज़ होती हैं अलग अलग और यहाँ से ज्वाइन होती हैं। ये वाटर टैंक अलग होता है और ये बर्नर जो है इसका वो अलग होता है। कनेक्टिंग राड वगैरह इनसे अलग हुए हुए हैं।
टैंकर, पाकिस्तान रेलवे का मार्क लगा हुआ है और 28-10 जो है वो इसका नंबर है। उसके बाद एक और बॉक्स जो है वो कार खड़ी हुई है, वाटर बॉक्स है ये, वाटर टैंकर कह लें आप इसको, और एक इसी तरह ही वाटर टैंकर इसके पीछे है। उसके बाद एक ये रिलीफ ट्रेन की बोगी मुझे नज़र आ रही है जो मीटर गेज की है, वो भी मौजूद है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के शेड में। 300 जो है इसका नंबर है और 30 टन वेट इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह की एक और कोच जो है वो साथ भी खड़ी हुई है। तो टोटल मीटर गेज के 5 इंजन मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के ओल्ड लोको शेड के अंदर खड़े हुए हैं। 2 सिलेंडर का ये लोकोमोटिव है और इनका जो रूट था वो नवाबशाह और इसके अलावा खोखरो पार तक था, और झुड्डो और डिग्री साइड के ऊपर भी ये हॉल करते थे ट्रेन्स को। आजकल इनका राज ख़त्म हो गया है, 520 लोकोमोटिव नंबर, उसके बाद 523 और 519 और 524 भी है इसके अलावा, मैंने दिखाया आपको, और पीछे एक और लोकोमोटिव है वो 524 है। ये एक फ्लैट बेड जो है वो कंटेनर भी लोड हो सकता है, ऐसे पुराने ज़माने में इस पर पता नहीं क्या लोड करते होंगे। फ्लैट बेड खड़ा हुआ है, कार्गो, उसके बाद टैंकर है एक और पीछे एक और टैंकर है। तो ये जितने स्टीम लोकोमोटिव काम कर रहे थे, 5 अभी यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोकोमोटिव ने मीटर गेज ट्रैक के ऊपर 2005 तक अपना काम जारी रखा। 2006 में जब मीरपुर खास खोखरो पार रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज बना दिया गया तो उसके बाद इनका जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया। तो 2005 तक इन स्टीम लोकोमोटिव ने राज किया है और आज यहाँ ये बेयारो मददगार लाचार खड़े हुए हैं। ये सामने आपको लोको शेड ऑफिशियल्स के जो दफ्तर हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही एंटीक प्लेस है, शायद मुझे दोबारा मौका ना मिलता यहाँ आने का, तो अभी मौका मिला है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कपलिंग्स देख लें आप इनकी, ये लें जी आपको मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव की कैब के अंदर भी ले आए हैं। ये वर्किंग नॉचेस, इनकी नॉब्स आप देख रहे हैं, सॉरी नॉचेस नहीं नॉब्स, ये जो लीवर है ये नॉचअप लीवर है, इसे नॉचअप करते हैं, नॉच डाउन करते हैं। ये इसका बर्नर है, यानी क्या होगा अंदर अभी इसके। इसके अलावा ये ब्रेक है इसकी, ये भी ब्रेक है नीचे। तो दोस्तों आज आपने देखा है मीरपुर खास का एक विंटेज एंटीक लोको शेड, आपको यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव दिखाया जो मीटर गेज के ऊपर काम करते थे। उम्मीद है आप सबको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।